यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा, पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिता और दिया। यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं कि मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। आई एग्री विद यू। ठीक तरह आपको पता है शोएब भाई ने भी पहले बात कर चुकी है इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया ये बात। तो फैक्ट है कि आई हैव टू फेस लॉट ऑफ दिस। मेरा यही होता था हमेशा, मुझे कन्वर्जन का भगवान के बारे में, मैं भाई मेरा धर्म है क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है एंड आई लव माय धर्म, और कोई दुनिया का दुनियादार की उधर जाए मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितने भी कुछ भी बोल दे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। टॉक ऑन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में बॉलर थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को लेकर बहुत से खुलासे किए हैं। दानिश कनेरिया ने कहा कि जब वे पाकिस्तान टीम के लिए खेला करते थे तब उन पर साथी क्रिकेटरों द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाया जाता था, पर उन्होंने किसी की बात मानने से मना कर दिया और कहा कि वे सनातनी हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। इस प्रकार जब उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा झूठे आरोपों में फंसाकर लाइफटाइम के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कोई मदद नहीं की। हालांकि इस दौरान कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जैसे शोएब अख्तर ने उनका साथ दिया, जो कि हम क्लिप में देख सकते हैं। दानिश कनेरिया ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से सपोर्ट की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार की है कि किसी तरह से उनका लाइफ टाइम बैन हटाया जा सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये वीडियो। जी हाँ, जो मेहमान हमारे साथ हैं यकीनन आप सभी उन्हें पहचानते होंगे। दानिश कनेरिया साहब हमारे साथ हैं, क्रिकेट का नाम और एक बहुत रोशन सितारा जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आया। बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए। थैंक यू सो मच अर्जु जी फॉर हैविंग मी। आपको उन्होंने कई बार कहा कि जी आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, तो आपको भी तो अपना रिलीजन बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि वो चेंज कर लें, आपको भी ऑफर कर देनी चाहिए थी। हमारा धर्म ये सिखाता ही नहीं है ना, हमारा धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे बता दे दुनिया में हमारे धर्म के लोगों ने कभी किसी को इस तरह बोला हो? कभी भी नहीं बोला सर, नहीं बोला। लेकिन जब वो बार बार आपको परेशान कर रहे थे तो जवाब आपको जी आपके सवाल पर आ रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला, उसकी वीडियो वायरल है, ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेटर को। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला कि क्यों कर दो भाई, मुझे अपना धर्म प्यारा है एंड आई लव इट, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जो बोलना है बोलो। मैंने उनको आगे से नहीं बोला कि नहीं आप रीड करो, आप मेरा धर्म रीड करो। देखो मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा मैं छोटे से बड़ा पाकिस्तान में हुआ हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार मैं जैसा जो बंदा बोल रहा है मैं उसी को उसी जवाब में जवाब दूं। हमारा धर्म है बड़ा शांति वाला, काम वाला, और हम शांति से अमन पसंद लोग हैं, मतलब हम नहीं बोलते। और मैं उस टाइम पर क्योंकि मुझे क्रिकेट का वो था, मुझे डर भी था कि भाई क्या होगा अगर मैंने कुछ बोल दिया, तो मैं तो अकेला ही था ना, मेरे साथ तो कोई नहीं था, तो इसके लिए वो बोलते रहते थे, मैं एक कान से सुनता था। लेकिन ये कहता था कि बाद में मैं यही कहता था कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, यही मैं यही कर सकता था। लेकिन सर आपकी जगह मैं होती, मैं तो उनसे कहती कि अगर मैं हिंदू होती और मैं मुझे शायद आफरीदी ऐसा कुछ कहते तो मैं वही जवाब देती जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं उनको ये भी कह देती कि अगर वो चेक करें, वो रीडिंग करें और वो थोड़ा पढ़ने की आदत डालें तो उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें से मेजोरिटी जो मुस्लिम्स अपने आप को अरब्स के साथ मिलाते हैं वो असल में इंडियन है और पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट किए गए। वो एक पूरी हिस्ट्री उन्हें पढ़नी पड़ेगी जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ी। यू आर एजुकेटेड, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड है, वो सब लोग है, वो तो कभी भी नहीं बोलते क्योंकि they are educated, they know each and everything. जो अनएजुकेटेड बंदा वही बात करेगा ना, तो अनएजुकेटेड के सामने अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना, अपना खून को क्यों जलाना बेकार में, वो ठीक है वो बोलता रहे। सर आपके ऊपर भी तो अटैक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और कई लोगों ने मुझे बताया कि आपके एसेट्स को फ्रीज करने की बात की जा रही है, आपको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है आपके इंटरव्यूज के बाद से, क्या ये सच है? इंटरव्यू के बाद से नहीं भाई, ये बहुत टाइम से हो गया था, मुझ पे एक गलत आरोप लगा जिसके ऊपर मुझे, मेरे ऊपर कोई एविडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे लाइफ बैन लगा दिया, ठीक है ना। 12 में मेरे पर गलत आरोप लगे और मुझ पे लाइफ बैन लगा दिया, और वो भी काउंटी का मैच था इंग्लैंड के अंदर, काउंटी का मैच, इंटरनेशनल मैच भी नहीं, और उसका कोई एविडेंस भी नहीं मिला किसी के कहने के ऊपर। और जिस बंदे से वो कह रहे कि भाई आपने इस बंदे से प्लेयर को मिलाया, तो वो बंदे से पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने मुझे मिलाया था, मैं तो जानता भी नहीं था, पूरी टीम उनको जानती है और वे सब जानते हैं, शाहिद हो गए, अंजली भाई हो गए, पूरी टीम इनको जानती है, ठीक है ना।
और उसके अलावा फिर अपना मेरे साथ इन्होंने गलत किया। आप देख ले कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में कितने लोगों का नाम है, वो आज हॉल ऑफ फेम पर है, पाकिस्तान की बोर्ड में है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि इनको कोई ओहदा नहीं मिलना चाहिए। वो इन्होंने ठीक है नहीं यार हमारे है वो कर दिया। तीन लड़के पकड़े गए इंग्लैंड के अंदर, जेल में गए, इंग्लैंड की जेल में गए, मुल्क को उन्होंने वो किया बेचा, उनको सबको लेके आया, और एक भाई साहब को लेके आया, वो आज अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में जाके नेशनलिटी ले ली, और क्योंकि वो आईपीएल खेलने के मूड में है तो इसके लिए वहां से ले ली। तो मतलब आप मुझे बता दें कि ये नाइंसाफी सिर्फ दानिश कनेरिया के साथ क्यों, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, 100% रीजन। अगर मुझ पर बैन नहीं लगता, अगर मैं इनकी बातें मान लेता, मुझे कहते थे कि आप मान लो, मैं इनसे पूछ पूछ के थक गया कि भाई क्या मानू मुझे बताओ तो सही, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं क्रिस्टल की जो करियर हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ इंग्लैंड में पुलिस में, आई गॉट क्लियर, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, मैं भी कुछ किया करूंगा तो कुछ होगा, कुछ किया ही नहीं। तो इन्होंने ना मेरी हेल्प की, सिट्टी साहब आया, फिर इजाज भट्ट मरूम साहब वो थे, उन्होंने कि सबको बोल बोल के थक गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबको हेल्प आउट करने की रीच की, किसी ने नहीं रीच किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो मतलब एक इंसान नेशनल प्लेयर खेला हुआ पाकिस्तान का, बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी, क्या है इतना भी इनका वो नहीं है कि यार हेल्प कर ले यार, ये हमने सबको तो कर दिया, इसका भी मैटर सॉल्व करवाए और जस्ट लेट हिम लिव हिज लाइफ। लेकिन नहीं, काम में मुझे नौकरी माफ, कुछ मतलब कि बेड़ा गर्क करके रखा यार। अभी अर्जु जी इंसान थक जाता है, फिर 8 साल के बाद सबने, फिर पीएसएल में जितने लड़के पकड़े गए शर्जील खान और ये वो, सबने एक्सेप्ट कर लिया, उनको दोबारा लेके आ गए। मैंने टीवी चैनल पे बोला कि भाई यहाँ गलती हो गई, उसको मिला दिया था, उसके अलावा मैंने और कुछ बोला ही नहीं है, ना मैंने कोई चीज एक्सेप्ट की है, उस पर भी नहीं माने। तो भाई आप क्या मुझे करना चाहते हो, तो इंसान क्या करे। आप अगर मेरे शूज में कोई पैर रख के देखे ना कि मैंने जिस तरह लाइफ स्ट्रगल की है, वे तो भगवान, मैं मुझे मुझ पे किस पे भरोसा नहीं है सर, मैं अपने राम भगवान पे, भगवान पे भरोसा है कि भगवान जो करेगा बेहतर के लिए करेगा। लेकिन ये चीजें कर रहे हैं मेरे साथ, ये चीजें की है, तो फिर इंसान क्या बोले। मतलब एक हिंदू होते हुए, हिंदू हूं मैं, इसके लिए आप लोग ये सब चीज कर रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये मेरे खिलाफ है, यही रीजन है। अगर मैं को बैन नहीं लगता तो मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ जाता, आज भी चौथे नंबर पर हूँ पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर, 61 टेस्ट खेले तो 100 टेस्ट भी खेल जाता, कप्तान भी हो चुका होता पाकिस्तान का, बहुत चीजें हो चुकी। लेकिन नहीं भाई, ब्रेक लगा दो, ये आगे जा रहा है, क्योंकि मैं विकेट इतनी लेता था परफॉर्मेंस की। मैंने कोई मैचेस जो खेले है 61 टेस्ट मैचेस, वो अपनी परफॉर्मेंस पे खेले, पाकिस्तान को मैचेस जिताए है। मेरी फैमिली को पता है, सबको पता है कि आई वॉज इन पेन, मेरी कितनी उंगलियां दर्द होती थी, ब्लीडिंग होती थी, फिर भी नहीं, मुझे वो था एक पैशन था कि नहीं यार खेलना है, जीतना है, टीम को जिताना है। आई यूज्ड टू बोल 40-40 ओवर्स इन अ डे, एक एंड से लगा हुआ रहता था, कभी नहीं सोचा कि नहीं यार इंजरी हो जाएगी, लेकिन नहीं। लेकिन उसके बाद सिला ये दिया गया कि दानिश कनेरिया को सपोर्ट नहीं करना, और सभी लोग वही हाल है। तो इसके लिए अभी यही सच्ची बात है, तो सच्ची बात ये सुनना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है। अगर ये सच्ची बातें सुन ले और थोड़ी लोगों की हेल्प करे या अच्छी चीजें करे ना, तो हमारी मुल्क की इज्जत भी बनेगी। सर अब इनको करना पड़ेगा, इसलिए कि अब सोशल मीडिया का जमाना है और काफी प्रेशर आता है सोशल मीडिया से, ऐसी बात नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि आप, हम भी आपकी आवाज बने, हम भी आपका साथ दें और कोशिश करें कि आपको जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल हो। सर और कुछ नहीं तो कम से कम ये, अगर अब आपको खिला नहीं सकते तो ये आपको जो है वो जो इनको खाने के लिए लोग होते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड जो रखा जाता है, कोच वगैरह, सर कोच तो रख ही सकते हैं। नहीं मुझे इनसे नौकरी भी नहीं चाहिए, मैं अपना जो है भले नौकरी ना दे, बस ये मेरी हेल्प करके, ये मेरा बहन अगर वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी उम्मीद नहीं, क्योंकि 12 साल हो गए इन्होंने नहीं किया। तो इसके लिए मैं अपना जो बात करता हूँ, मुझे पता है कि जितनी चीजें होती जो मैं आवाज उठाता हूँ ट्विटर के ऊपर बात करता हूँ, और मैंने अपना खुले में अपना कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उन्हीं से करता हूँ, हमारे लोगों से मैं 12-11 साल तक रिक्वेस्ट कर करके थक गया। चीमा साहब मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। और उसके बाद मैं मुसलसल, आपको शायद पता है, पता होगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुसलसल पढ़ता हूँ बार बार, मुझे हिस्ट्री का शौक है, करंट अफेयर का शौक है, सारी इन चीजों का शौक है। लेकिन ये एक तो मैं ये यहां पर बताना चाहूंगा, बाई फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकता, ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब। लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे।